तो मैं इस जर्मनी लिबरल कुकुर को एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर वाकई में तेरे में दम है, तूने बाबाओं को तो बहुत ढोंगी बोल लिया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर बहुत तूने एक्सपोज वीडियो बना लिए, अब कभी इन जैसे मौलानाओं पे भी कभी वीडियो बनाने की हिम्मत अगर तुझ में है तो तू सामने आ, ये वीडियो बना, मैं तेरे को मान लाऊंगा कि वाकई में तू इंसानियत के साथ है। लेकिन अगर तू ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि तू इंसानियत के साथ बिल्कुल भी नहीं है, तू लोगों को झूठ बता रहा है, बिना फैक्ट की जो बात कर रहा है, तेरे पास कोई तथ्य नहीं है। वहां पे रहने का अधिकार नहीं है, कहां पे? इस्लामिक स्टेट में। और काफिर जिम्मी बन करके रहेगा, दोनों ही बात कुरान सम्मत उन्होंने कही। दाद देना चाहता हूं जो जलेबी नहीं बना करके, सीधी बात। अब चलिए इस संकीर्णता, कुरान की संकीर्णता जो वो बता रहे हैं वो कहां लिखा है? जय हिंद दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं भूप यदुवंशी जी के यूट्यूब चैनल से। और भूप यदुवंशी जी ने नया चैनल खोला है, शाश्वत सत्य सनातन। तो इस चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहां से जाकर भी आप इस पूरी डिबेट डिस्कशन को देख सकते हो। जो डिस्कशन हो रहा है वो एक इस्लामिक स्कॉलर है संदीपन जी और भूप यदुवंशी जी, उनके बीच में हो रहा है। तो भूप यदुवंशी जी को सनातन धर्म का काफी ज्ञान है, काफी नॉलेज है, बहुत ही फैक्ट्स के साथ ये बातें करते हैं। दोस्तों मैं अपने विचार बिल्कुल एंड में रखूंगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है मित्रों, भाइयों और बहनों, तो आप जरूर कर लीजिए। वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर। ऐसे समाज में पैदा हुए, समाज को हमने जो है शुरू से देखा है, जाना है, जहां पर सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, हम सभी के साथ धार्मिक आधार पर जो है भेदभाव नहीं करते हैं, तो मन भेद भी नहीं होता है, भेद भी नहीं होता है, प्यार से ऐसी विचारधारा के में एक ऐसी सोच पनप रही हो जो ऐसा कहती हो, आप अगर सनातन धर्म को मानते हैं, आप अगर पूजा करते हैं, सिर्फ इस वजह से आप उस विचारधारा की नजर में अपराधी हैं और दंड के पात्र हैं, सजा के। तो ये बड़ी विचित्र बात थी, इसलिए जो है मैंने इस विषय को लेकर आपके समक्ष आने लिया। तो ये बात थी। अब विपरीत पक्ष है, उसके बारे में जानिए। हमारे इन्वाइट किया था जो इस्लामिक विचारधारा के काफी जानकार है, दीपन रॉय, मैं उनको अपने साथ लूंगा, तो मैं उनको अपने साथ ऐड कर रहा हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते संदीपन भाई, कैसे हैं आप? आपने जी जी मैं अच्छा, आप बताइए जी। आपने सुना जी, जी। मैंने सुनाई और जो विषय आपको पता है, तो आप क्या कहें इस बारे में और क्या रोशनी डाल, क्या वो मुफ्ती सच बोल रहा था या क्या है जो कर रहा था? जी 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 मैं वो वीडियो देखा नहीं हूँ, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि काफिर? मैं एक बार सुना देता हूँ, दोबारा दर्शकों के लिए भी रिफ्रेश हो जाएगा और हमारे लिए भी रिफ्रेश हो जाएगा। मैं एक बार उसको सुनाता हूँ। अगर मैं एक इस्लामिक देश में पैदा हुआ हूँ तो मैं जिम्मी हूँ या नहीं हुआ, इतना बता देंगे। अच्छा मैंने आपको बताया ना कि अगर आप एक इस्लामी देश में, बताया मैंने आपको, अगर आप एक इस्लामी देश में पैदा होंगे तो आप अगर मुसलमान हैं तो आप सिटीजन हैं, और अगर आप मुसलमान नहीं है तो आप प्रोटेक्टेड हैं। बस ठीक है, देख लिया। एक इस्लामिक स्टेट है उसमें एक ऐसा काफिर है कि जिसको रहने की इजाजत नहीं है। देखो क्रिश्चियन को रहने की इजाजत है, यहूदी को रहने की इजाजत है, और किसी भी शख्स को जिम्मी बनकर रहने की इजाजत है, लेकिन एक मुर्तद को इजाजत नहीं है। एक मुर्तद को इजाजत नहीं है। अब वो मुर्तद इस्लामी स्टेट में रहना चाहता है, तो भाई हम ये कह रहे हैं कि मुर्तद जो है उसका इस्लामी स्टेट से 36 का आंकड़ा है, वो दुश्मन इस्लामी रियासत का, तो क्यों उसको फिर बर्दाश्त करे इस्लामी रियासत, बताओ। आपने साफ कहा कि एक मूर्ति को इस्लामिक देश में रहने की इजाजत नहीं, और जिम्मी ये सब आपने बोल के एकदम अखा डाल दिया है। जी संदीपन जी, सुना आपने इस पूरे वक्तव्य को? अब इसमें आप जी जी जी, वो दो चीज उन्होंने कहा। सबसे पहले ये कहा कि मुर्तद को वहां पे रहने का अधिकार नहीं है, कहां पे? इस्लामिक स्टेट में। और काफिर जिम्मी बन करके रहेगा, दोनों ही बात कुरान सम्मत उन्होंने कही। दाद देना चाहता हूँ जो जलेबी नहीं बना करके, सीधी बात। अब चलिए इस संकीर्णता, कुरान की संकीर्णता जो वो बता रहे हैं वो कहां लिखा है? सूरह तौबा आयत नंबर 29 कि कि कत्ल करो किनके साथ? अहले किताब के साथ, जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाते और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिस चीज की मान्यता दी है या जिस चीज को वैध ठहराया है उसको वो अवैध जानते हैं, उनके साथ लड़ाई करो तब तक जब तक वो जलील होकर के जिजिया देने ना लगे, जब तक वो जलील होकर के जिजिया टैक्स जो औरंगजेब लेता रहता था काफिरों से, तो जलील होकर के जब तक वो
तुम्हें जीजिया टैक्स ना दे तब तक उनको कत्ल करते रहो। ये तो कुरान खुद कह रहा है, कुरान की मान्यता है। तो जिम्मी इन्हीं को कहा जाता है। जिम्मी मतलब होता है कि भाई आप एक काफिर है, चूंकि आप एक काफिर है आपको पैसा देना पड़ेगा सरकार को उनके काम में, या उनके यानी किसी भी काम में वो लगा सकते हैं आपके पैसे। ये है जिम्मी, जिम्मी के डेफिनेशन। और वो कुरान से, ये जिम्मी की जो आयत है ये कुरान की, वो मैं आपको सूरह तौबा आयत नंबर 29। अब जहां तक वो बोल रहे हैं कि मुर्तद नहीं रह सकता, मुर्तद यानी जिसने अपना दीन बदल लिया हो, यानी जिसने इस्लाम छोड़ दिया हो, जो इस्लाम की सच्चाई को जान जाता है वो तो छोड़ ही देगा ना। तो मोहम्मद साहब ने इस चीज को, ताकि वो जानते हैं, क्योंकि लॉजिकली ये इस्लाम का जो विचारधारा है ये लॉजिकली ये टिक नहीं पाएगा। वो जानते हैं कि लॉजिकली हम लोग टिक नहीं पाएंगे, हमें ये तलवार के जोर से सलवार पहनाना है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब ठीक है, जब उन्होंने एक हदीस बता दी, बोल दी कि भाई मन बदलना दीन हूँ फकतुलू हूँ, जो दीन बदल लेता है, जो मजहब बदल लेता है, जो इस्लाम छोड़ देता है उसको कत्ल कर दो। कुरान में भी इसकी आयत आई है कि सूरा तौबा, सूरा ये है आपका, मैं आपको बताता हूँ, सूरा मायदा आयत नंबर 33, सूरा मायदा आयत नंबर 33 में बताया गया है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ वर्बल जंग करे, जो इस्लाम के खिलाफ बोले या उनके साथ जंग करे, या किसी भी तरीके से वर्बली हो या हाथ से, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाए, उनका तो बदला बस यही है कि बुरी तरह कत्ल कर दिया जावे और हाथ पैरों को विपरीत दिशाओं से काट दिया जाए। ये तक बता दिया गया है कुरान की इस आयत में, सूरह तो ये मायदा आयत नंबर 3। तो ये तो बिल्कुल अमानवीय है सर, बहुत अमानवीय है। अब से एक प्रश्न और निकल के आता है, जो इस मजहब का विचार है ये समाज और शांति के लिए क्या खतरा नहीं है, आप क्या कहेंगे? जी 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 बिल्कुल, विश्व के शांति के लिए ये मजहब बहुत ही खतरे का बायस बनेगा, क्योंकि ये हम लोगों को यानी हिंदुओं को, जो हिंदू मूर्ति पूजक है उनको कहते हैं कि भाई ये तो नजिस है, अपवित्र है, नापाक है। इन्नमल मुश्रिकून नजसुन फला यक्रबुल मस्जिद अल हराम बादा अमिहिम हाजा, कि मुश्रिक तो केवल अपवित्र है, नजिस है, नापाक है, अतः इनको मस्जिद अल हराम में घुसने मत दो। तो जब यहाँ पे हम लोगों को नजिस समझा जाता है और मुसलमान बच्चे बच्चे के दिमाग में ये भरा जाता है कि मुश्रिक तो नजिस होते हैं, मुश्रिक तो नापाक होते हैं, कि ये जो काफिर है और इनके जो पत्थर है, जिन पत्थरों की ये पूजा करते हैं, ये जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जलेंगे। ये विचारधारा अगर एक बच्चे के दिमाग में बचपन से भर दिया जावे तो ये तो लाजमी है कि ये बहुत ही बड़ा खतरा है, और इस विचारधारा को हमें इरेडिकेट करना पड़ेगा। जो दूसरे मान्यताओं को बोलता है, मोहम्मद साहब 360 बुत थे इसमें, मक्का जो इसमें है काबा में, उसके अंदर बहुत सारे बुत थे, तो मोहम्मद साहब ने उन बुतों को तोड़ करके बोला जा अल हक व जा कल बातिल इनल बातिल कान ज़हूका, कि मैं जो है सत्य को स्थापित करने आया हूँ और बातिल को, यानी जो यानी ये कहिए कि जो कुफ्र है या जो मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजकों की विचारधारा को मैं नष्ट करने आया। तो ऐसी संकीर्ण विचारधारा अगर हमारे समाज में रहे तो जाहिर सी बात है भयमनस्ता फैलती रहेगी ही। जी, जी। और इसका मुझे लगता है कि मूल स्रोत संदीपन ये ताम प्रवृत्ति है, जैसे हमारे सनातन में सात्विकता को महत्व दिया गया है और वो चीजें सात्विचार में आते, आहार विचार और व्यवहार, सत्व गुण वो है जो कि आहार विचार और व्यवहार तीनों में प्रदर्शित, और जिन वस्तुओं से बुद्धि निर्मल होती है उनको सात्व कहा गया है, और सात्वन हो तो सत्व गुण अभिवृद्धि होते क्या होता है कि व्यक्ति जो है कभी ऐसा करने की उसे नहीं आता, द्वेष नहीं करता है, उसका मन निर्मल हो जाता है और वो स्वयं गुण स्थापित करने के अंदर के ही तमस से लड़ता रहता है, तो बाहर का समाज बहुत शांति और बहुत अच्छा वातावरण बाहर के समाज स्थापित होता है। तो जैसा कि आप अभी बता रहे थे, इसके उलट सनातन की जो विचारधारा है पूरी विश्व की शांति के लिए बहुत जरूरी है, और सनातन की शांति विचारधारा वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा से ही विश्व को आगे जो है एक आदर्श समाज में आगे ले जाया जा सकता है। तो ये दोनों का अगर तुलनात्मक किया जाए तो उन्होंने तो अपनी बात को बहुत बेबाक स्वीकार किया, और जैसा कि अभी आपने के बारे में बताया तो इससे ये सिद्ध होता है विचारधारा में जो है 160 डिग्री का जो है अंतर है, विपरीत विचारधाराएं हैं दोनों। उसके बावजूद अगर सनातन बाहुल्य है, हमारा हिंदू बाहुल्य, इस वजह से हिंदुओं की जो विचारधारा की वजह से शांति है, यदि अगर यहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र लग जाए तो हमारे जीना दुभर हो जाएगा, या देना पड़ेगा या तो गला कटवाना पड़ेगा, देना पड़ेगा या तो गला कटवाना पड़ेगा। तो ये जो है हमारे जो लोग हैं उनको जो है शायद ये सच नहीं मालूम है, जो लोग सेकुलर बनते हैं उनको ये बताना बहुत जरूरी है, इसीलिए संदीपन जी मैंने ये विषय आज रखा। अच्छा संदीपन जी, अब एक बात यहाँ से और निकल गया, इनमें जो है राष्ट्र की विचारधारा कम होती है और उम्मा की विचारधारा ज्यादा होती है, यानी धर्म और धर्मप्रदाय सर्वोपरि, ये राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं रखती है, क्या ये भी धार्मिक पुस्तक से ही ये विचार निकल गया? जी हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी कुरान की विचारधारा है, और कुरान में बताया गया है कि मुसलमान मुसलमानों को छोड़ करके काफिरों को दोस्त ना बनाओ, तो
मुसलमान मुसलमानों को छोड़ करके अगर काफिरों को दोस्त ना बनाने की लायत्तखिज़िल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, मुसलमान मुसलमानों को छोड़ करके काफिरों को दोस्त ना बनाओ दिल से और जुबान से, तो ये जब बता ही दिया है कि मुसलमान मुसलमानों को छोड़ करके काफिरों को दोस्त ना बनाए, और आपके पिता भी अगर आपके पिता भी काफिर है तो भी वो आपके लिए आप उसको सम्मान नहीं कर सकते। और आपको बता दूं कुरान की तो ये तक कहना है, कुरान का ये तक कहना है कि अगर आपके आपके माता पिता या आप कोई भी काफिर हो उसके जनाजे तक उसके अंतिम संस्कार में भी मत जाओ, ताकि उनके अंतिम संस्कार में भी मत जाओ ताकि उनके रोदन की जो आवाज है वो तुमको मुतासिर ना करे, वो तुमको प्रभावित ना करे, वो जो रोएंगे वो आपको प्रभावित ना करे, इसलिए उनके इसमें जनाजे में मत जाओ। तो जहां तक आपका मेन जी आपने जहां तक मेन प्रश्न आपने जो किया कि यहाँ उम्मा का कॉन्सेप्ट है, जी बिल्कुल उम्मा का कॉन्सेप्ट है, और पाकिस्तान का मुसलमान या कहीं और का भी मुसलमान कहीं और, जैसे आप देखिए ना बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए इनकी तरफ रहती है कि भाई रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में क्यों जो है शरण नहीं दिया जा रहा है, इन जिहादियों को जो आपको मैं बता सकता हूँ कलकत्ता में ऐसे केसेस है कि भाई लोगों के ये ऑटो ड्राइवर बने होते हैं और लोगों के पैरों के ऊपर से गाड़ी चलवा देते ये रोहिंग्या, और इनको यहाँ शरण दो, लेकिन CAA के तहत हिंदुओं सिख बौद्ध और जैनों को आप शरण नहीं दे सकते, ये है इनका डबल स्टैंडर्ड। उम्मा का कॉन्सेप्ट तो यही भारत के आज के राजनीतिक परिस्थिति को देख करके समझ में आ जाए। जी संदीप जी, अच्छा हमारे इनकी विचारधारा उम्मत वाली है या नहीं? राष्ट्र निर्माण से धर्म का पालन होता है, राष्ट्र की रक्षा ही सर्वोपरि धर्म है, और धर्म की रक्षा ही राष्ट्र की रक्षा है, तो सबको जो है मिला जुला कर जो है एक राष्ट्र निर्माण की बात यही है। राष्ट्र सीमाओं के परे जो है व्यक्ति कर्तव्य अलग हो जाते हैं, राष्ट्र सीमाओं अलग होते हैं, भले ही सीमा के बाहर जो है सनातनी कोई हो और सीमा की तरफ दूसरा कोई सनातनी हो, तो दोनों के बीच के बात व्यवहार जो है परिवर्तित। तो दोस्तों आपने ये सारा डिस्कशन सुना संदीपन जी और भूप यदुवंशी जी का, और ये सारा डिस्कशन जो स्टार्ट हुआ था वो ये बात से हुआ था कि एक इस्लामिक राष्ट्र जो है उसमें जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके क्या अधिकार होंगे। आजकल हम अक्सर सुन रहे हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र तो ये देश है, योगी जी भी कह रहे हैं कि ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा, और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है हमें, घोषणा की जरूरत है, बाकी तो हम हिंदू राष्ट्र हैं ही। तो इस बीच में बहुत सारी चीजें ऐसे उठ के आ रही थी कि भैया तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान का क्या होगा, ये क्या होगा। अरे सेकुलरो मेरे भाइयों, मेरे प्यारो, मेरे भोले भाले सेकुलरो, तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि भारत में संविधान का महत्व तब तक है जब तक यहाँ पर हिंदू बहुल है, ये बात आप क्यों नहीं आपके दिमाग में घुसती है। और हिंदू कोई सनातन कोई मजहब पंथ संप्रदाय नहीं है, कितनी बार आपको समझाएं। अगर लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमें इतिहास में झूठ बोल बोल कर बार बार वही झूठ बता बता कर यकीन दिला दिया गया कि तुम्हारे सनातन तुम्हारा हिंदू का कोई महत्व नहीं है, सनातन संस्कृति को खत्म करने के लिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया और वो झूठ बार बार बोला गया, मुझे ऐसा लगता है अब हमें सच बार बार बोलना पड़ेगा। ये सच की आवाज जो है उनके कानों तक तब तक घुसेगी नहीं जब तक हम इसको बार बार नहीं बोलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म की जो सच्चाई है वो लोगों के कानों तक उनके जहन तक पहुंचानी पड़ेगी। जैसे कि भगत सिंह ने जो पार्लियामेंट में अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बम धमाका किया था, लेकिन उन्होंने बम ऐसी जगह फेंका कि ताकि किसी का नुकसान ना हो। देखो ये होती है सनातन संस्कृति, क्योंकि जो भगत सिंह थे और जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे उस वक्त, वो सच बोल रहे थे, लेकिन एक झूठ फैलाया गया था पूरे देश में। उस झूठ से लड़ने के लिए सिर्फ कुछ चंद लोग ही सामने आकर अपनी जो बलिदान थे वो दे रहे थे देश के लिए, वो सच बोल रहे थे, बार बार सच बोल रहे थे, और वो सच को कानों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसे तरीके अपनाए जिससे कि किसी का नुकसान ना हो। तो जैसे सनातन संस्कृति या एज ए सनातन हम जो अपना तरफ से जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज ए सनातनी योद्धा, तो हमें भी वैसे ही कुछ करना है कि किसी का नुकसान भी ना हो और ये बात जन जन तक ये पहुंच जाए कि भैया मनुष्यता का धर्म, इंसानियत का धर्म एक ही है, वो है शाश्वत सत्य सनातन, जैसा कि भूप जी के चैनल का भी नाम यही है। और आप इस चैनल से जुड़िए, इनके सब्सक्राइबर बेस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नॉलेज वाले लोगों को आगे लाना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे चैनल से जुड़िए, शाश्वत सत्य सनातन धर्म। और हमारे पास हमारे साथ शुभम जी भी हैं, उनका भी चैनल है सनातन शास्त्र, सनातन के रिलेटेड जितने भी शास्त्र और किताबों से लाइव डिबेट जो है वो उन चैनल्स पे होती है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो आपने देखा, ज्यादा बोलते ना हुए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और लेके आऊंगा एक और बढ़िया शानदार
शानदार सनातन से रिलेटेड वीडियो दोस्तों। हमें सनातन की बात जन जन तक पहुंचानी है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान का भी सम्मान होगा दोस्तों, और सब चीजों का सम्मान होगा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो संविधान का सम्मान अगर है इस देश में तो वो इसलिए है क्योंकि हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं, सनातनी राष्ट्र हैं, और हिंदू कोई मजहब नहीं है। सनातन की चीजों जो हैं वो हमेशा से थी, आगे भी रहेंगी। सनातनों को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। मनुष्यों को खत्म कर देने से आप ये समझते हो कि मनुष्यों को खत्म कर देने से आप सनातन को खत्म कर दोगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप कहीं ना कहीं जो है वो उन पावर से, उन चीजों से वो मतलब एक तरह से रिवेंज ले रहे हैं जिन चीजों को आप खत्म नहीं कर सकते। अग्नि को कोई खत्म नहीं कर सकता, जल को कोई खत्म नहीं कर सकता, अग्नि जल वायु पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश इस चीज को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता है दोस्तों। तो आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता, आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है। सनातन भी शाश्वत है, अजर अमर है। मजहबों के बन जाने से, मजहबों थोप देने से सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।